लेकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले नोएडा सेक्टर 54 में डंपिंग ग्राउंड बनाया था, अथॉरिटी ने वहां विरोध हुआ, उसके बाद सेक्टर 123 में कूड़ा डाला गया और वहां पर सीएम के आदेश के बाद वहां से डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट करके ग्रेटर नोएडा के खोदना खुर्द गांव में इसी जगह पर अथॉरिटी अब डंपिंग ग्राउंड बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन जैसे ही ये आसपास अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे गांव हैं ग्रेटर नोएडा के, वहां के बाशिंदों ने यहाँ के प्रस्तावित ये जो डंपिंग ग्राउंड है इसका विरोध शुरू कर दिया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाँव के जो लोग जो धरने पर बैठे हैं इसका विरोध कर उनसे बातचीत करने के लिए बीच बीच में SDM और यूपी सरकार के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे आते रहते हैं। लेकिन रोड के जिस ओर जहाँ पे ये डंपिंग ग्राउंड बनना, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि आसपास के गांव से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और इस डंपिंग ग्राउंड का विरोध कर रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बन गया तो आसपास के जो जितने भी गांव हैं उन गांवों के लोगों को भारी समस्या होने वाली है। यही वजह है कि 2400 घंटे यहाँ पे लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड ना बने। और क्या बात है और किस तरह से विरोध कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं डंपिंग ग्राउंड का? हम यहाँ पे खोदना खुर्द का ये जो जंगल है यहाँ पे 500 मीटर गांव है, 500 मीटर पे तिलपता है, 500 मीटर पे देवला गांव है, इधर खोदना खुर्द है, स्वराजपुर है, खेड़ी बनाता है, तो यहाँ पे अगर ग्राउंड बनता है, कूड़ा डलता है तो बीमारियाँ फैलेंगी। और यहीं पे अपना 700 मीटर पे पंछी विहार है, तो यहाँ पे आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा समस्या खड़ी हो जाएंगी, इसलिए हम लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्यों विरोध है डंपिंग ग्राउंड का? इसलिए विरोध है, यहाँ पर छोटे छोटे गांव हैं और बच्चे रहते हैं और जगह जगह ये इससे बीमारी बहुत ज्यादा फैलेंगी और इसका आने वाली पीढ़ी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्या अथॉरिटी के लोग जिलाधिकारी वगैरह आए हैं गाँव वालों से, कुछ उनकी बातचीत हुई है अभी तक? नहीं, यहाँ से कोई नहीं आया हमारे पास, इन्होंने अनऑथराइज तरीके से अलॉट कर दिया है, यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ पर कूड़ा डाल रहे हैं वो। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि तो क्या आगे, क्या आप लोग क्या आगे हर कीमत पर विरोध करेंगे? आप हर कीमत पर विरोध करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए हम इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो आसपास के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, बाशिंदे हैं, उन्हें बड़ी नाराजगी है अथॉरिटी के इस फैसले को लेकर। उनका साफ तौर से कहना है, चाहे अथॉरिटी कितना भी दबाव बनाए, किसी कीमत पर गाँव के लोग नहीं झुकेंगे और इस प्रस्तावित डंपिंग ग्राउंड का विरोध करते रहेंगे। कैमरामैन सुमेंद्र के साथ सुमंत कुमार, APN ग्रेटर नोएडा।